नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या तिवारी की कोर्ट में पिटाई। दोनों को प्रयागराज कोर्ट में किया गया था पेश। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने लिखा है आनंद और आद्या का नाम। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बुधवार को बागमबरी मठ में दी गई अंतिम विदाई। उन्हें बैठी हुई मुद्रा में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित थे। महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने कहा महंत नरेंद्र गिरी नहीं कर सकते आत्महत्या। कहा सुसाइड नोट साजिश का नोट है, सिर्फ हस्ताक्षर कर पाते थे महंत नरेंद्र गिरी। आईपीएल पर कोरोना का साया। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। विजय शंकर सहित टीम के 6 मेंबर्स आइसोलेशन में भेजे गए। कोरोना वायरस की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता नहीं देने पर अड़े ब्रिटेन पर। आखिर भारत का दबाव काम आ ही गया। यूके ने भारत में बनी कोविशील्ड को स्वीकृति वैक्सीन मान लिया है। थोड़ी अड़चने अभी भी बाकी है। संभल जिले में AIMIM के अध्यक्ष सांसद असुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लगे पोस्टर पर विवाद। संभल को गाजियों की धरती बताए जाने पर विवाद। भाजपा ने इन पोस्टरों पर उताया कड़ा इतराज। विवाद के बाद प्रशासन ने हटाए पोस्टर। भारत में कोविड-19 के 26,964 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,31,498 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 3,01,979 रह गई। यह 186 दिन में सबसे कम। इस्लामी विद्वान मौलानी कलीम सिद्दीकी को ATS की एक टीम ने गिरफ्तार किया। ATS के महानिरीक्षक डॉक्टर जीके गोस्वामी ने बताया गिरफ्तारी बुधवार रात को की गई थी। बताया जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी धर्मांतरण के मामले में मेरठ से की गई है। भाजपा से इस्तीफा देकर TMC में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियो अब छोड़ेंगे सांसद पद। गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सौंपेंगे त्यागपत्र। अमेरिका रवाना हुए पीएम मोदी। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी करेंगे संबोधित। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे सिंधिया का जोरदार स्वागत। मुरैना से ग्वालियर तक 65 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो। 200 से अधिक जगह हुआ स्वागत। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में चचा जान की एंट्री। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को बताया चचा जान। कहा हिंदू धर्म और महात्माओं को ही आखिर क्यों टारगेट करते हैं दिग्विजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा संचालित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास की याचिका खारिज की। 25 साल की लेखा परीक्षा से छूट के लिए न्यास ने दायर की थी याचिका। शीर्ष अदालत ने मंदिर की आय और व्यय की पिछले 25 वर्षों की लेखा परीक्षा का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर में एक साल बाद मिला प्रादेशिक सेना के जवान का शव। साल भर पहले कुलगाम से आतंकियों ने कर लिया था अपहरण। जम्मू कश्मीर में 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। इन कर्मचारियों पर आतंकी से संबंध रखने का आरोप। ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में कर रहे थे काम। मनोनीत वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। एयर मार्शल भदौरिया का स्थान लेंगे चौधरी। उपचुनाव के लिए भवानीपुर में रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा भाजपा जुमला पार्टी है। कहा भाजपा झूठ बोल रही है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं देंगे। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,365 मामले आए सामने। इस दौरान 1,466 लोग हुए रिकवर। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 20,42,073। विद्युत जामवाल की फिल्म सनक OTT पर होगी रिलीज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जल्द ही दिखाई देगी। कनिष्का वर्मा द्वारा निर्देशित इस मूवी में विद्युत की हीरोइन है रुक्मणी मेत्रा। फिल्म मिस्टर लेले में होगा रणबीर कपूर का स्पेशल डांस नंबर। शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर है लीड रोल में। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।